जहां देशभर में भाजपा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज पठानकोट में भी तीनों हलकों से भाजपा वर्करों ने जिला प्रधान विपिन महाजन की अध्यक्षता में पठानकोट के वाल्मीकि चौक के पास रोष प्रदर्शन किया। यह रोष प्रदर्शन राफेल मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का झूठ बोलने पर था। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री मास्टर मोहनलाल ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी जनसभाओं में भाषण देते हुए बार बार मोदी सरकार को निशाना बनाया था कि राफेल में भाजपा पार्टी ने 160 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लीन चिट दे दी है कि इसमें कोई घोटाला नहीं किया गया। इसी के चलते आज देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वे मांग की जा रही है कि अब राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। वहीं अगर बात करें इस रोष प्रदर्शन की तो भाजपा का यह रोष प्रदर्शन काफी फीका रहा क्योंकि यह रोष प्रदर्शन पठानकोट के तीनों हलकों का था और इस प्रदर्शन में भाजपा के नेताओं को मिलाकर करीब 50 से 60 वर्कर ही पहुंचे, जिससे भाजपा में भी कहीं गुटबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा था। आज का यह रोष प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट इसलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी ने देश के नाल झूठ बोलिया। राहुल गांधी पार्टी ने जो देश के नाल झूठ बोलिया, असीं लोगों नूं वो सच दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जिहड़े ने ये देश के इन्ने संवेदनशील मुद्दों के बारे भी इस तरह का झूठ बोल सकते हैं कि राफेल नूं लैके जो परसैप्शन कांग्रेस ने क्रिएट की है, जो झूठ देश के नाल उन्होंने बोलिया, उसको लैके असीं अज्ज दे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस दे विच भारतीय जनता पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष जिला के सारे पदाधिकारी काउंसलर और सारे ही प्रदेश के और जिला के पदाधिकारी इस उपस्थित हुए हैं। असीं मंग कर रहे हैं कि जिहड़े ये लोग ने कांग्रेस के राहुल गांधी और उसके जिहड़े साथी ने कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है वह सारे देश को माफ़ी मंगे इसके लिए। इस गल लैके अज असीं इत्थे एकत्रित होए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सारे हिंदुस्तान च भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जिसने इलेक्शन के दौरान राफेल के जहाज को लै करके बदर झूठ बोलते रहे, सारी इलेक्शन कंपेन चुनाव कोई और मुद्दा नहीं, सिर्फ एक मुद्दा सगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने लख करोड़ रुपया इस राफेल जहाज को खरीदन च रिश्वत ली है। जो ये मसला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरीके भली भांति इसकी गो की जांच पड़ताल की और बाद मेरा हर आरोप जोड़े मोदी ने लगाए थे उसने झूठ के पुलिंदे खोल करके गया। इस ना कोई कमीशन एजेंसी, ना कोई कमीशन लिखी गई, ना कोई भ्रष्टाचार होया और ये देश के राजनेतावान देश की जो सेना है, देश की जो सुरक्षा है, उस बारे में बड़ी सोच समझ करके बयान देने चाहिए ने। ये गल्ला सारिया भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता के सामने रखना चाहती है कि राहुल सुरक्षा मसले के उत्ते झूठ ना बोले, बाकी जोड़े मसले झूठ बोलना बोली जा बेशक सबको इतराज नहीं, लेकिन सो फार एज देश की सिक्योरिटी इंटैग्रिटी और एकता का प्रश्न है, उस किसी किस्म का झूठ नहीं बोलिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दुध का दुध और पानी का पानी किया है। ये लक्षण वास्ते भारतीय जनता पार्टी अब देश भर से रोष करने कर रही है और राहुल के झूठ का जोड़ा झूठ है वो लोगों के सामने रखा जा रहा है, इस करके रोष कर रहे हैं। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।